गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिक करंट से कोई क्वेश्चन भी पूछना है? खुली ना बोले मेरे को नहीं बता देखो गुड मॉर्निंग सर। सर फ्यूज और एमसीबी में क्या डिफरेंस है? और फ्यूज तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पे काम करता है। बोलिए किसको क्वेश्चन था? रेज करो हैंड्स। किसको क्वेश्चन था? अनन्या। अनन्या बोलो। तो देखो ये डी का मैं क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हीटी इफेक्ट ऑफ करंट। हीटी इफेक्ट ऑफ करंट कौन बताएगा? चलो आदित्य बताओ। आदित्य बोलो जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही है आपका सर। थ्री प्रैक्टिकल डिवाइसेस हीटिंग ऑफ करंट। आवाज ही नहीं आ रहा है। आयरन इमर्शन रॉड एंड इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक सर। सर हाँ बोलिए सर। थ्री प्रैक्टिकल डिवाइसेस यूज फॉर हीटिंग आर इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थ्री एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके बोलो। संकेत कुमार बोलो।
electric motor powerful cranes. अनुराग तुम सर बोलो सर हम बताएं सर हम बताएं बोलो लाउड स्पीकर टेलीफोन डायफ्राम इलेक्ट्रिक बेल सर हम बताते हैं सर हम भी बता सकते हैं बोलिए सर एमसीबी इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर बोर्ड दिख नहीं रहा है सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है वो अब यस सर हाँ तो इस सर्किट डायग्राम को देखो कहता है द बल्ब इन द सर्किट शोइंग फिगर Does not glow. Why? क्यों नहीं ये ग्लो करता है ये बल्ब? ये बल्ब जो है इस हम बताएं. Does not glow. क्या कारण है कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है? बोलो. The bulb बता. Glow. Yes, sir. The bulb in this circuit shown in the figure does not glow because the circuit is off and both the terminal of the battery are in positive. Okay. इसका आप अपने कॉपी में न्यू सर्किट डायग्राम बनाओ सेकंड पार्ट कर रहा है कि ड्रॉ द सर्किट ड्राइव डायग्राम बाय मेकिंग द नेसेसरी चेंज इन इट सो दैट द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग यानी रीड्रॉ करना है आपको ठीक है ये प्रतीक श्रीवास्तव कौन है जिसका आइडेंटिटी नहीं है कोई एडमिशन नंबर आ नहीं है रीड्रॉ करो अपने कॉपी में क्या चेंजेस लाओगे इस सर्किट डायग्राम में कि वह जो है बना लिया दिखाओ कॉपी को अनन्या केवल स्विच को क्लोज कर दिया उसके बाद बल्ब जलने लगेगा स्विच क्लोज कर देने से नहीं जलेगा अनन्या ये आपका डायग्राम रॉन्ग है और बोलो शुभ नारायण यस सर यस सर कहाँ दिखा रहा है ओके सर दिखाते हैं वैश्विक सागर क्या है सर दिखा दिए देखिए वैश्विक सागर डायग्राम कहाँ बनाया अनन्या बंद करो तुम्हारा डायग्राम रॉन्ग है केवल स्विच को ऑन कर देने से वो बल्ब जलने लगेगा केवल उतना ही रह रहा है शुभ नारायण एक मिनट यस सर तुम्हारे में भी गड़बड़ी है शुभ नारायण दोनों आप प्लस सर क्या और माइनस दोनों टर्मिनल बड़े कर दिए आप काम रॉन्ग है ठीक से देखो आपका अपना डायग्राम गड़बड़ है शुभ नारायण ठीक से देखो सर मेरा हाँ तुम्हारा भी गड़बड़ है क्या गड़बड़ है अब किसका देखा जाए साहिल कुमार
वो बैटरी बनानी है जी, उसको सिंबल में नहीं यूज करो, सिंबल में यूज करो। सर्किट डायग्राम का मतलब है चलो ये संकेत कुमार गौर कर दे, इसमें जो डायग्राम है स्विच को ऑन करिए ना, ये प्लस प्लस क्योंकि है उसको आपको क्या करते हैं प्लस माइनस फिर प्लस और ये माइनस सीरीज में वोल्टेज क्या अरे आप बुक से देखिएगा ये तब ना आपको ये और ये क्लोज स्विच करा दीजिए और ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, दिख रहा है अनुराग? बोलो क्या दिक्कत है? अनुराग क्या दिक्कत है, समझ में आ गया? नो सर। यस सर, समझ गए। शुभ नारायण बोलो। सर बैटरी के डायग्राम में तो सिर्फ पूरे बैटरी का मिला के एक प्लस और माइनस दिया जाता है ना सर, हर सेल का अलग अलग प्लस माइनस नहीं ना दिया जाता है? अलग दिया जाता है। ये देखो इस सर हर सर डीएटी में भी तो सीधा हुआ है प्लस प्लस टॉप, लेकिन इस जगह दोनों बाल को क्या मिल रहा है, यहाँ भी प्लस मिल रहा है यहाँ भी प्लस मिल रहा है। जो डायग्राम दिखाया है उसमें दोनों में प्लस ही मिल रहा है ना, उसको एक तरफ एक इंड में माइनस मिलना चाहिए ना। क्लियर सर? मैंने जो डायग्राम बनाया था सर उसमें दोनों टर्मिनल को मैंने शो किया था और yes, सर मेरे भी मैंने ऑफ कर दिया था सर। मेरे मेरे डायग्राम में भी सर प्लस माइनस दोनों था, प्लस माइनस yes, सर ये बड़ा कर दिया जो आपका था ना डायग्राम उसमें ये नेगेटिव टर्मिनल को भी आप बड़ा कर दिए थे। ठीक है, वो छोटा होना चाहिए। मेरा सही है लेकिन सर मेरा स्मॉल था बट मेरा मैंने शो भी नहीं जो था होगा वो सही प्लस माइनस स्विच ऑन है जिसका ऐसा था वो सही था। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको राइट टू A special characteristics characteristics of the wire needed for making for making the element of an electric vehicle. Element of an vehicle. ठीक है, कहता है write two special characteristics of the wire needed for making the element of an electric heater. तो रिया कुमारी बताओ। They have very high resistivity. It has very high melting point.
they can be easily drawn into wires. Okay. Next, Ananya, batao. Two characteristics of element are, first, it has a high melting point. Second, it has a high resistivity. Third, it can remain red hot for a long time without getting oxide or burning out. Okay. Aur koi? Next. ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं इसको देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है सर एक बार रेसिस्टिविटी एक्सप्लेन कर दीजिए ना क्वेश्चन नंबर 5 ये इज द मीनिंग ऑफ द स्टार Is the meaning of the star short circuiting? Short circuiting and overloading. Overloading in an electric circuit. सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है हां हां यस सर हां यस सर हम बताएं हां बोलो यस सर हम बताते हैं सर सर शॉर्ट सर्किटिंग टचिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर ड्यू टू फॉल्टी overloading connecting yes. of more than one appliances to a single socket chalo anurag tum batao yes sir ha bolo short circuiting touching of live and neutral wire due to faulty insulation is called short circuiting overloading connection of more than one appliance device to a single socket is called overloading. Okay. So, ye aapko next question. Question number 6. Question number 6. Electromagnet can be used for separating plastic bag from a garbage bin. Explain. Using an electromagnet can be used for separating plastic bag from a garbage bin. Bolo. Hum bataye. Yes, sir. No electromagnet can not be used no, for separating plastic from garbage. Magnetic material and plastic is not a magnetic material. It is bad conductor of magnet, so it is Yo, not. Because jo bhi batayega na kyun nahi ho sakta hai. Because magnet attracts only iron. जो है क्या bad conductor of electricity उसको अलग नहीं किया जा सकता है. Okay. Sunna, explain conductor of.
चलो आदित्य राज बोलो. यस सर. नो बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन कोबाल्ट एनी कलर एंड प्लास्टिक बैग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. ओके. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन. हाँ बोलो सर. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप बिकॉज प्लास्टिक इज अ नॉन मटेरियल अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड दस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट अट्रैक्ट इट. ठीक है. चलो ये देखो ये यानी आपका बी जो था उसका पूरा रिवीजन हो गया है. बोलो सर. हम बताएं कौन बोल रहे हैं. अनुराग आनंद. बोलो बोलो. द बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर एंड बिकम व्हाइट हॉट एंड ग्लो ब्राइटली फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच It is bulb, but the connecting wire don't have this special characteristics. Sir, हम बताएं. हाँ. बोलिए सानिध को बोलो. एक मिनट सानिध को बोलने दो. बोलो सानिध. Yes, sir. The same amount of current flows through the connecting wire and the bulb filament because the resistivity of the filament is very high and when the current passes through it, it opposes the flow of electric current and start glowing. क्या बोलो आप. कौन बोल रहा था वो बोलो. The wire in the filament which is made up of tungsten glows because it become hot and connecting wire doesn't heat much as the filament and hence doesn't glow. और कोई. यस सर. बोलो. द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द बल्ब फिलामेंट. हाउएवर द फिलामेंट ओनली ग्लोस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर. इट हैज हाई रेजिस्टिविटी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्रिक्शन. इट क्रिएट्स अ फ्रिक्शन by which the tungsten wire starts glowing. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. और कोई.
आदित्य राज तुम बोल दिया? यस सर। चलो अनुराग बोलो। बोलो। यस सर। हाँ बोलो। The bulb filament is made up of tungsten wire and become white hot and glow brightly for a long time. This is a special characteristic which is the bulb, but the connecting wire don't have this special characteristics. We can the brightness of light. The brightness of light emitted by the bulb is observed. Electric heater. Is connecting the with it. With it. So the lightning. Taken from this observation. Like three meter for the observation. Give the practice of light taken by us is observed to decrease when electric meter in series with it suggests the likely reason for this observation. इसमें आप वैसे भी आपके घर में कौन सा कनेक्शन लगा हुआ रहता है? आपका जो बल्ब वगैरह जो कनेक्शन किया हुआ है घर में वायरिंग जो किया हुआ है वह कौन से कनेक्शन होता है? वह पैरेलल में रहता है ना? और ये कह रहा है कि सीरीज में जब हीटर को लगा दिया जाए है ना, बल्ब है और उसी सीरीज में हीटर को लगा दिया जाए तो उसका जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों बोलो सुनना है? क्यों ये था है? क्यों डिक्रीज कर जाता है? हेलो जोर से बोलो। The brightness of a light emitted by a bulb is observed to decrease when an electric heater is connected in series with it, because in the series connection, if more than one appliances are connected in the same circuit, the potential in the appliances is observed to decrease. Okay. Main reason is same current is passed, but for much potential difference in this distribution, but in parallel, that is what happens. In parallel connection, so this way current is distributed, current will increase, but potential difference same over. Correct.
तो पोटेंशियल उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर गया, इसीलिए उसका ब्राइटनेस जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो उस केस में रिया कुमारी बोलो। यस सर। बोलो। सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट द एप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू द व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। तो देखिए इसमें सीरीज में मेन थीम क्या था, सीरीज में कौन चीज सेम होता है, करंट सेम पास करता है लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। और इन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट उल्टा, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना। तो आपको इस केस में जो है क्योंकि यहाँ सीरीज में कनेक्शन है तो जैसे ही हीटर कनेक्ट कर दिया क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है। पोटेंशियल जो आपको देखते होंगे बल्ब में या कहीं भी, आपको 220 वोल्टेज लिखा हुआ रहता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है वो भी लिखा हुआ रहता है। और एक हीटर का जनरली 1000 वाट ज्यादा ही हो, मॉडर्न हो, 1000 वाट आयरन हुआ, ये सब जो है उसका पावर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नंबर नाइन सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल ठीक है, टू इलस्ट्रेट द एक्शन ऑफ इलस्ट्रेट द एक्शन ऑफ an electric tube, वंशिकाज बार बार हाँ बोलिए। Tie a thin strand of nickel wire in a circuit. Now pass the current through the circuit. For some time, we observe that the strand of nickel wire will melt and break. और कोई सर नाइक्रोम वायर तो हीटर में यूज होता है, उल्टा बता देगा। चाहिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टंगस्टन फिलामेंट, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ये भी एग्जाम में आ सकता है। सर कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक मेल के बारे में, तो यानी इस चैप्टर का जो कल एग्जाम होगा वो पूरा रिवाइज हो गया है। अभी आप इलेक्ट्रिक ट्यूब यानी लाइन के प्रिंसिपल के लिए हो और इंटीग्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंगस्टन फिलामेंट और नाइक्रोम वायर, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइक्रोम वायर दिया हुआ है और इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। बोलो चलो, नाइन भी हो गया, नाइक्रोम ठीक है। बोलो
एक मिनट हेलो यस सर बोलिए सर नाइक